आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस। ये ड्राइंग के सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर दोनों में दिया रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंकर लेंथ सेल भी 32D4 फेवरेबल एंड 45D4 अनफेवरेबल कंडीशंस। इसके क्या लैपिंग कंडीशंस हैं सारे समझेंगे, और इसमें ये भी बताऊंगा कि ये जो लैपिंग कंडीशंस है ये कौन से IRC कोड में है। दो IRC कोड का मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि IRC कोड से ही ये लिखा हुआ है। सबसे पहले फेवरेबल कंडीशंस और अनफेवरेबल कंडीशंस को अलग अलग पार्ट में कर दिया। पहला कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन शैल बी अप्लाई टू वर्टिकल बार्स, अनफेवरेबल कंडीशंस शैल बी अप्लाई टू हॉरिजॉन्टल बार्स। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉन्डिंग जोन फर्स्ट एंड अनफेवरेबल कंडीशन में इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉन्डिंग जोन सेकेंड। ये बॉन्डिंग जोन क्या है मैं आपको IRC कोड में दिखाऊंगा। बार बेंट नॉट लेस देन 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना है। अनफेवरेबल कंडीशन में बार बेंट लेस देन 45 डिग्री, 45 डिग्री से ये कम होना है। इसमें कंक्रीट इज कास्ट बिलो द बार नॉट मोर देन 300 mm से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंक्रीट इज कास्ट बिलो द बार मोर देन 300 mm से ये ज़्यादा होना चाहिए। दोनों कंडीशंस जो है उसको मैंने फिगर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये फेवरेबल कंडीशन है जो वर्टिकली रेनफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है उसमें जो लैपिंग आएगा उसको हम बोलेंगे फेवरेबल कंडीशंस, इसको बॉन्डिंग जोन फर्स्ट। यहाँ पे जो फिगर नंबर 2 है आप देख सकते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल बार प्लेसिंग किया गया है, इसमें जो लैपिंग हम करेंगे वो अनफेवरेबल कंडीशंस कहलाएगा और ये बॉन्डिंग जोन सेकेंड है। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में जो हम एक्स्ट्रा स्टील देते हैं वो क्यों देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ कंक्रीट ये है और ये रिइंफोर्समेंट हॉरिजॉन्टली प्लेस हुआ है, तो ऊपर से जब कंक्रीट गिरता है तो रिइंफोर्समेंट में सैगिंग होगा, उस सैगिंग को अवॉइड करने के लिए एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में क्लियरली लिखा है, फेवरेबल कंडीशन के लिए 32D है, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए 45D है। वही मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया है। अब मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ किस IRC कोड में दिया हुआ है। ये IRC कोड पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन है उसको मैंने लिखा है। मैं IRC कोड का 2 रेफरेंस दूंगा। ये पहला जो रेफरेंस है IRC 021-2000 है। बॉन्डिंग जोन सेकेंड जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें क्या दिया हुआ है, अनफेवरेबल कंडीशन शैल बी अप्लाई टू हॉरिजॉन्टल बार या बार बेंट लेस देन 45 डिग्री एंड सो लोकेटेड दैट मोर देन 300 mm ऑफ फ्रेश कंक्रीट इज कास्ट बिलो द बार। उसके बाद से जो बॉन्डिंग जोन सेकेंड है, फेवरेबल कंडीशन शैल बी अप्लाई नॉट लोकेटेड दैट बॉन्डिंग जोन ये सेकेंड। अब मैं आपको इसका जो दूसरा IRC कोड है उसको दिखा रहा हूँ। जो दूसरा कोड है IRC 112-2011, इसमें दिया हुआ है, ये मैंने आपको बताया था बॉन्डिंग का ये कंडीशंस क्या है, द क्वालिटी ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द सरफेस पैटर्न ऑफ द बार ऑन द डायमेंशंस ऑफ द मेंबर एंड ऑन द पोजीशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ द रिइंफोर्समेंट विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ कंक्रीटिंग। स्टील और कंक्रीट में जो बॉन्डिंग है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी के नीचे आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है फेवरेबल बॉन्ड कंडीशन। ये है बॉन्ड कंडीशन जिसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।